मम्मी क्या देखे यार इसने भेजी आपके लिए। वाह बहुत खूबसूरत लग रही है, ब्रेसलेट भी अच्छा लग रहा है। अरिज ने अपनी तस्वीर नहीं भेजी? वो मुझे क्यों भेजेगी अपनी तस्वीर? मेरा मतलब है मेरे लिए भेजती अपनी तस्वीर, वैसे उसके लिए भी ब्रेसलेट लेना चाहिए था हमें। वो कहाँ पहनती है ऐसी चीजें? आई मीन वो तो सिंपल सी रहती है, सादा सी। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी तो बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि काफी मोहतात लग रहे हो तुम। जब गोद में सर रखोगे ना आकर, तब पूछूंगी तुमसे। वैसे एक बात कहूं, इतनी खामोशी भी अच्छी नहीं होती, कुछ बातें कह देनी चाहिए। बाय। रीच, मैं नहीं जानता ये ठीक है या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये गलत भी नहीं है। हमारे बीच जो रिश्ता है उसका क्या नाम है? कभी लगता है ये हमदर्दी का रिश्ता है, कभी लगता है अपनाइयत का। बस ये कहने से डरता हूँ कि मेरी नज़र में ये शायद मोहब्बत का रिश्ता बन चुका है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ अरीज, मुझे गलत मत समझना। हो सकता है तुम्हें मैसेज करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, या शायद मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला। लेकिन ये जो भी है मोहब्बत है, और मुझे उम्मीद है कि मोहब्बत का जवाब मुझे मोहब्बत से ही मिलेगा। क्या हुआ है सीमा? क्या बताऊं आरिफ साहब, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। पैसा रुतबा नहीं भी था हमारे पास, लेकिन इज्जत थी, अब वो भी नीलाम हो गई। देखो सीमा, देखना सोचना बाप ने है, मैं मजीद खामोश नहीं रह सकती। एक बात तो बताएं, ये अरीश ने सिकंदर साहब पर ऐसा क्या जादू किया है कि उसके सिर्फ एक बार कहने से ये गुंडे यहां सामान रख के चले गए और आप और मैं तो कैसे रह गए? वहां बॉस से अलग दिल लगाए बैठे हैं, यानी कि एक वक्त में कितनों को आसरे। सीमा, जबान संभाल कर बात करो। अच्छा, मैं जबान संभाल के बात करूं? आप भी अपनी बेटी को संभाले, अरे साहिबा के मुस्तकबिल का सोचे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जब दो दो को फंसाए बैठी है ना, तो कर दें किसी एक के हवाले और मुझे बख्श दें। थक चुकी हूं मैं लोगों के सवालों के जवाब दे देकर।
यकीन नहीं आ रहा तो आप अपनी आंखों से खुद तसल्ली कर लें। देखें,